अल्लाह कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज स्कूल से छुट्टी थी तो हम पहुँच गए खेतों में तो यहाँ पे देख ले माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे देखे कितना खूबसूरत मंजर है फूलों के ऊपर जो है शबनम के कतरे आपको नजर आ रहे होंगे बिल्कुल ही जो है ये मोतियों की तरह लग रहे हैं आपको माशा कितना खूबसूरत मंजर है ना तो यहाँ पे देखे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे फ्लावर कितना जबरदस्त है सुबह सुबह तो ये हम फूल वाले खेत में खड़े हुए हैं जब गुलाब का खेत है न तो यहाँ पे देखें क्योंकि आज उन्होंने अभी तक तोड़े नहीं है वरना ये होता है कि जो जिस हम खेत में खड़े हुए हैं ना तो ये हम सारियों का खेत है गुलाब का तो इसमें वो क्या करते हैं सुबह सुबह ही ना इन्हें तोड़ के जो तकरीबन छः बजे ना इन्हें तोड़ लिया जाता है फूलों को और फिर इन्हें ना फूलों की मंडी में ले जाया जाता है और फिर वहाँ पे ना इनकी बोली लगवाई जाती है और फिर जो सबसे ज़्यादा रेट इनका फाइनल करता ना फिर इसको सेल करके और फिर पैसे घर लेके वापस आ जाते हैं तो ये इनका डेली का मामूल है कभी कभी कभार तो डेली भी हो जाता है लेकिन ये है कि अमूमन तो ये डेली होता है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दो दिन लग जाते हैं फूल किले वरना यही है कि डेली वो ऐसा कारोबार करते हैं तो यह सिलसिला चलता रहता है माशाल्लाह और इतनी इनकी इतनी प्यारी खुशबू आती है मैं आपको क्या बताऊँ फिर हम पहुँच गए थे आगे थोड़ा सा तो आगे आपको ये तरबूज नज़र आ रहे होंगे रिदा ना तोड़ तोड़ के बस मेरे हाथ के ऊपर रखी जा रही रखी जा रही है वो ये चाह रही थी कि बस ना मम्मा सारी तरबूज ले लें असल में ये कचरी है तो रिदा इसको कहती है तरबूज छोटे वाले तरबूज तो कह रही थी मम्मा ऐसे वीडियो बनाओ मैं अक्सर बनाती होती है ना वीडियो तो उसको भी अपना पता चलता जा रहा है वो कह रही थी मम्मा इनकी वीडियो बनाओ ऐसे बनाओ मेरे फूल मेरा जो मैंने फूल तोड़ा उसकी भी बनाओ तो फिर मैंने जो फूल तोड़ा था ना फिर मैंने वो भी हाथ पे रखा और इसकी जो है वो तरबूज थे उसको भी हाथ पे रखा और फिर मैंने कहा कि चलो मैं आपको दिखा देती ये रिधा ने तरबूज तोड़े फिर हम आगे आ गए थे आगे गन्ने के खेत में तो रिधा ने फिर यहाँ से भी जिद बांधी के मैंने ना गन्ना ही लेना गन्ना तो गन्ना का सीज़न अभी तक आया नहीं है वैसे ये है कि मतलब पहले की नस्बत ना काफ़ी इसमें रस हो गया पहले कच्चे थे लेकिन अब दिसंबर में इनका मौसम फुल मौसम होगा दिसंबर में या नेक्स्ट मंथ से लेकिन हमने आज ही स्टार्ट कर दिया था तो बहुत ही मज़े का गन्ना था और बहुत ही मीठा था अभी तो इनका खैर मौसम इतना आया नहीं है लेकिन फिर भी रिदा के कहने पर मैंने एक तोड़ लिया था मैंने कहा कि चले आपको तोड़ देती हूँ तो यहाँ से हम गन्ना लेने के बाद आगे चले जाते हैं खेतों में तो खेतों में आपको दिखाऊंगी कि किन्नों वगैरह और जो है वो माल्टे वगैरह दूसरे और लेमन वगैरह सारे कुछ दिखाऊंगी उससे पहले मैं आपको दिखाती चलू ये वाली तोरी की बेल तो तोरी की बेल में आप देख ले ये ना लगे हुए थे फूल तो इसमें लगा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पर ये बाद में मुझे पता चला पहले तो मैं इसे तोरी की बना रही थी लेकिन बाद में पता चला कि तोरी की नहीं जो टिंडे होते हैं ना ये उसकी बेल है अब पता नहीं इसमें कुछ लगा तो था नहीं कि जिससे हम पहचान सकते तोरी की भी ऐसी ही है वो देखें आपको नज़र आ रही सामने मैं आगे लेके चलूँगी आपको तो यहाँ पे ये भी ऐसी है दोनों सेम सेम हैं तो मैं तो इसे तोरी की समझ रही थी लेकिन बाद में मम्मी ने बताया कि तोरी की नहीं थी तो खैर जो भी है तोरी की है या टिंडे की जो भी आप देख ले तो ये वाली तोरी की बेलती है यहाँ से हम हमें बस ना सिर्फ तीन ही तोरियाँ मिली हैं बाकी जो है वो किसी ने तोड़ ली या वो, आ, लगी नहीं क्योंकि तोरी के में ये होता है कि ये डेली सब्ज़ी नहीं लगती है तो तीन से चार दिन इसको बनने में लग जाता है तीन से चार दिन बाद ही आप इसे ना उतार सकते हैं सब्ज़ी तो ये वाली तोरी बीज बनाने के लिए रखी गई थी क्योंकि अगले साल जब हम बीजेंगे तो फिर बीज तो बाज़ार से नहीं ना लाएंगे फिर ये होगा फायदा कि घर से ही बीज हमें मिल जाएगा तोरी का तो यहाँ पर देखें ये वाला तो बस हमें सिर्फ तीन ही तोरियाँ मिली हैं बाकी तो हमें कोई भी नहीं मिली तो हमने कहा कि चले कोई नहीं तो यहाँ पे मौसम देखे माशाल्लाह काफ़ी चेंज है पहले से और ये जो है सरसों का खेत है उसमें ये देखे उगना शुरू हो गए हैं ये देखें कितना प्यारा मैं आगे फिर आपको दिखाऊंगी ना सरसों के फूल वो और ये आंवला मुझे मिला था नीचे से गिरा हुआ तो ये आंवले के दरख्त के पास मैं खड़ी हुई थी तो ये देखें माशाल्लाह कितना ऊंचा दरख्त हो गया हमारे आंवले का इस दफ़ा तो मैंने सोचा हुआ है कि मेरे बाल जो जितने भी झड़े हैं ना मैं उनको सबको घना और लम्बा करूँगी क्योंकि इस दफ़ा ना हमारे खेतों में लग चुका है आंवला लगता था पहले भी तकरीबन दो साल से इनसे ना फल नहीं लग रहा पहले इसकी कटिंग कर दी थी पता नहीं किसी ने ना बगैर पूछे कोई ले गया था तो वो ना लगते ही नहीं थे इसमें इस दफा माशाल्लाह से काफ़ी लगे हैं और फिर हम पहुंच गए थे किन्नौ के पौधे के पास तो हमने खूब किन्नौ तोड़े बाद में तब पता चला कि ना ये किसी का है हम समझे थे हमारा है तो क्योंकि दूसरे साइड पर मैं कभी आई नहीं खेतों में तो मैं समझ रही थी ये हमारा लेकिन वो किसी का तापिर ना मैंने कहा कि चलो अब तो तोड़ लिया अब क्या हो सकता है तो फिर यहाँ पे हम आ गए थे लहसन के पास देखने के जो हमने जिस दिन लहसन लगाया था वो कितना हमारा बड़ा है तो यहाँ पे देखें ये छोटे छोटे से अभी तो उगने उसने उगना ही शुरू हुआ है माशाला से ये है कि सारा उगना शुरू हो गया यहाँ पर देख लें आप पानी भी अभी नहीं लगा जमीन देखें कैसे खुश्क है वीरान सी बेचारी ना ये देखें माशाला से कितना प्यारा ये है कि धन ये जो लहसन होता है ना वो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद ही जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि दस बारह दिन के अंदर ना आपने को इतना इतना मिल जाएगा जितना बड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये वाला किसी का था माशाला उन्होंने काफ़ी ज़मीन में ये बल लहसन लगाया हुआ था उनका बेचारों का ना पानी से सा सारे एक साइड पर आ गया था और ये वाली देखें चावल की फसल है माशा कितनी ज़बरदस्त और पकी हुई है बिल्कुल तो बस तकरीबन से आठ दिन ही लगेंगे फिर इसकी जो है वो चावल बन जाएंगे इनको काट लिया जाएगा और घर ले जाएंगे मैं दिखाती हूँ अभी आपको ना कि ये किस हद हाँ तक ये देखें इसमें से कुछ अभी पक्की है और कुछ अभी कच्ची है यानी अभी फुल तैयार नहीं हुई लेकिन तैयार होने के बिल्कुल करीब है देखते हैं कि इसमें से कितना इस्तीफा निकलता है चावल क्या सुना तो जा रहा है कि कह भी रहे हैं बाकी जिनकी फसलें हुई हैं कि इस्तीफ़ा न बहुत ही कम जो है चावल निकले हैं पता नहीं क्या मसला है कोई यहाँ पे ये वाला देखे पाम कंगी पाम से बोलते हैं तो ये वाला पौधा भी काफ़ी प्यारा लग रहा था नशा इतना प्यारा ये व्यू था ना तो मैंने कहा कि चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ अगर किसी ने लेने हो तो ये वाले पाम तो कमेंट में बता सकते हैं और यहाँ पे फिर आगे गई लेमन के पौधे के पास मैंने कहा कि चले लेमन तोड़ लेती हूँ क्योंकि आज स्कूल से छुट्टी हुई है पता नहीं फिर कब मौका मिले मैं तो ऐसन से भी ज़्यादा खुश थी ना मुझे तब पता चला ना रात को सुबह छुट्टी है स्कूल नहीं जाना तो मैंने कहा कि मुझे आपसे भी ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा ना जुमा ना हफ्ता ना इतवार तीन दिन इकट्ठी छुट्टियाँ होगी मेरी तो मौजन लग गई है ऐसन की तो लगती लगती है मेरी भी साथ लग जाती क्योंकि फिर मैं अम्मी के घर मुझे वैसे तो डिल जाती लेकिन ये है कि आधी सिर्फ आधा घंटे का टाइम होता है उसी में फिर मुझे वापस आना पड़ता है ऐसन की वजह से तो फिर मैंने कहा कि चला वैसन भी साथ होगा तीन दिन तो हम खूब इंजॉय करेंगे तो बस यहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा किन्नों तोड़ लिए थे ना माशाल्लाह ये ना रस भरे थे लेकिन इतने अभी मीठे नहीं थे क्योंकि कच्चे तो हैं कच्चे मैं बस तोड़े जा रही तोड़े जा रही मैंने कहा कि चले इनमें ना जितना टेस्ट इनका ये ऐसे खाने वाला होता है ना ऐसा जब पक जाए तो वो इतना नहीं होता तो बस फिर मैंने यहाँ पे इतने ज़्यादा तोड़ लिए थे और यहाँ पे फिर मीरभ के सामने रख दिया थे मीरभ उनके पास बैठी हुई थी तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना